नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर के लिए सीधे लिए चलते हैं आपको न्यूज रूम, जहां से सहयोगी अलीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलीम, क्या बड़ी खबर इस वक्त? बिल्कुल विभा, बड़ी खबर इस वक्त सनातन पर जारी विवाद से जुड़ी हुई है, क्योंकि सनातन पर जारी विवाद के बीच आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह अत्यंत विवादित बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि टीका लगाकर घूमने वालों ने भारत को गुलाम बनवाया था। आरजेडी के कार्यक्रम में जगदानंद सिंह ने कहा कि जब भारत गुलाम हुआ था उस समय कर्पूरी ठाकुर नहीं थे, लालू प्रसाद नहीं थे, राम मनोहर लोहिया भी नहीं थे। उस समय देश में गरीबों की कोई हैसियत नहीं थी, बल्कि उस समय टीका लगाकर घूमने वाले लोग थे। अपने भाषण में उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, और एक बार फिर से जगदानंद सिंह के इस बयान ने जिस तरह से देश में सियासी बवाल खड़ा हुआ है सनातन धर्म को लेकर, उसको और जोर देने की कोशिश की है। विभा, शुक्रिया आलिम। तो जगदानंद सिंह का ये विवादित बयान, जिसमें देश की गुलामी के लिए उन्होंने टीका लगाने वालों को जिम्मेदार ठहरा दिया और टीका लगाकर घूमने वाले लोगों को लेकर के बयान देकर इस सियासत को और ज्यादा गर्म करने की कोशिश की है। तो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और उनके बयान के बाद देखिए कैसे यहां पर फिर से एक बार सियासत और तेज होती हुई, क्योंकि उन्होंने देश की गुलामी के लिए टीका लगाने वालों को जिम्मेदार ठहरा दिया। तो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान पर बीजेपी ने जोरदार हमला किया है, तो महागठबंधन के नेताओं ने जगदानंद सिंह के बयान का बचाव किया। सिंह जी, भारत को गुलाम बनाया था वैसे टीकाधारी लोग जो कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए, पद के लिए और राज के लिए सब कुछ अपना जमीर से लेकर के, जागीर से लेकर के धर्म तक बेच दिया, उसी तरह से आज भी सावन के महीने में जानवरों का मांस पकाया जाता है और खाया जाता है कुर्सी और सत्ता के लिए। जांच का विषय यह है कि वो किस जानवर का मांस था, और पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कुछ लोग प्रधानमंत्री बनने के लिए नकली जनेऊ और नकली बाइबिल पढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों से इस देश को सावधान रहना पड़ेगा। जगदा बाबू के बयान को लोग तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और अपने हिसाब से विश्लेषण भी कर रहे हैं। वास्तविकता यही है कि उन्होंने फिर से एक बार आरएसएस के लोगों की पोल खोली है। आरएसएस के लोगों का देश की आजादी में क्या योगदान रहा है सबको मालूम है। किसने मुखबिरी की, किसने अंग्रेजों से हाथ मिलाया और क्या रोल अदा किया, यह भी देश की जनता के सामने। ये वही लोग हैं जिन्होंने 14 अगस्त 1947 को तिरंगे तक का विरोध कर दिया था। तीन रंग के विषय में कहा था कि तिरंगा अशुभ है, तीन रंग का है, और आज तक आरएसएस के मुख्यालय में तिरंगा तो देखा नहीं गया है। तो समय समय पर जब इनकी पोल खुलती है तो इनकी बेचैनी ऐसे ही बढ़ती है। जगदा बाबू के बयानों का मतलब साफ साफ है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आरएसएस के लोग ने जिस तरह से अंग्रेजों के साथ मिलके उनकी योजनाएं बनाने में मदद की, उनकी योजनाओं को लिखित आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं और देश के आज़ादी दिलाने में बाधक बने, कौन लोग थे वो? बीजेपी और आरएसएस के लोग थे। ये तो साफ जाहिर होता है
ये तो शुरू से ही देश विरोधी लोग रहे हैं, इनकी खात्मा 2024 में तय है। और अब इस खबर के मायने को भी समझ लीजिए। आरजेडी पीएम मोदी के करिश्माई प्रदर्शन से परेशान है और इसीलिए इस तरह के बयान भी दिए जा रहे हैं। पिछले चुनाव में पीएम मोदी ने आरजेडी के तिलिस्म को तोड़ा था, बीजेपी ने जातिवाद की सोशल इंजीनियरिंग को खत्म कर दिया, पीएम मोदी ने एमवाई समीकरण में भी सेंध लगा दी और ऐसे में आरजेडी फिर से जातीय समीकरणों को एक बार फिर से जिंदा करने की जुगत में है। टीका लगाने वालों पर हमला कर हिंदुत्व की लहर को कम करने की चाहत है, रामायण पर सवाल उठाया जाता है, हिंदुत्व की धार को कुंद करने का प्रयास ये कर रहे हैं और सनातन पर चोट कर अल्पसंख्यकों को अपने पक्ष में गोलबंद करने की कहीं ना कहीं कोशिश नजर आती है। और यही वजह है कि वो खुलकर उदयनिधि स्टालिन के बयान का विरोध नहीं कर पा रही है। और ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि समाज में जब तक भेदभाव है, जब तक ऊंच नीच का भेदभाव रहेगा, तब तक आरक्षण जरूरी है, जारी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान में प्रदत्त आरक्षण का हम संघ वाले यानी कि आरएसएस पूरा समर्थन करते हैं। दरअसल संविधान के मुताबिक अनुसूचित जाति और जनजाति को जातिगत आधार पर हुए भेदभाव के कारण आरक्षण मिलता है। मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जिन्हें ओबीसी कहा जाता है वो भी रिजर्वेशन के दायरे में है, उन्हें भी रिजर्वेशन मिल रहा है। उनको अपने बराबरी में लाने तक उनको कुछ विशेष उपाय करने पड़ेंगे। घर में अगर हम सब लोग हैं, दूध कम आता है, सबको दूध नहीं मिलता, लेकिन जो बीमार है उसको मिलता है, तो ऐसा हम कहते नहीं कि उसको क्यों दे रहे हैं। परिवार में सब समान है लेकिन जो बीमार है उसकी विशेष चिंता करनी ही पड़ती है। ऐसा वो आरक्षण लागू किया है, इसलिए जब तक वो भेदभाव है तब तक उसको चालू रहना चाहिए। और ऐसे में आप मोहन भागवत के बयान के मायने भी समझ लेते हैं। आरक्षण सियासी दलों के लिए बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। आरक्षण का विरोध हर कोई जोखिम मोल लेना नहीं चाहता, इसीलिए इसका कोई विरोध भी नहीं करता है। सभी आरक्षण के समर्थन में ही खड़े दिखाते भी हैं और दिखना चाहते भी हैं। 2015 के चुनाव की बात कर लें तो आरक्षण पर भागवत के बयान पर विवाद हो गया था। आरजेडी ने उस बयान को मुद्दा बनाया, बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया क्या? उस चुनाव में बीजेपी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ा था और बीजेपी दोबारा उस जोखिम को उठाना नहीं चाहती है। लिहाजा भागवत ने जब तक भेदभाव है तब तक आरक्षण रहने की बात कह दी है। भागवत के बयान से विपक्षी खेमे में अब खलबली मचनी तय मानी जा रही है। आरक्षण पर मोहन भागवत के बयान ने उससे मुद्दा छीन लिया, यानी विपक्ष के पास जो ये आरक्षण का मुद्दा था वो भी अब छीन चुका है। मोहन भागवत के आरक्षण पर बयान के बाद सियासत गर्मा चुकी है, जहां विपक्षी दलों ने जातीय गणना का मुद्दा उठाकर संघ प्रमुख पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उनके समर्थन में उतर चुकी है। चाहती हूं आपसे कि जब केंद्र की सरकार ने बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का नाम बदला तो आपने चुप्पी क्यों नहीं तोड़ा? जब केंद्र की सरकार ने अति पिछड़ों बच्चों के लिए कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति बंद की तो आपने चुप्पी क्यों नहीं तोड़ा? देखिए, सीधी सी बात है कि आप लोग के चेहरे दोहरे हैं। आपको जिस तरह से हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते, वही स्थिति आप लोगों की है। वो आरक्षण के समर्थक हैं, चाहते हैं समाज में समता मूलक समाज हो, समानता हो, तो फिर जातिगत जनगणना संपूर्ण देश में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मोहन भागवत भी संविधान बदलने के पक्ष में है।